चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के बीच टेलीकॉम कंपनियों में वोडाफोन आइडिया को जबरदस्त झटका लग सकता है। वोडाफोन आइडिया को 6,629 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। हालांकि जियो और एयरटेल फायदे में रहेंगे। विभिन्न ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक डेटा खपत में गिरावट और फ्री रिचार्ज के ऑफर की वजह से वोडाफोन आइडिया को भारी घाटा होगा। आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया को जनवरी से मार्च तिमाही में 7,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ था, जबकि जून तिमाही में भी वोडाफोन आइडिया को इसी के करीब घाटा होगा। वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू अप्रैल से जून तिमाही के बीच 9,324 करोड़ रुपए रह सकता है। वोडाफोन आइडिया की एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जून तिमाही में 105 रुपए रह सकती है, जो मार्च तिमाही में 107 रुपए थी। यानी हर ग्राहक के पीछे 2 रुपए का घाटा है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की बात करें तो इसका फायदा जून में 3,552 करोड़ रुपए रह सकता है। मार्च में 3,360 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। रिलायंस जियो का रेवेन्यू जून में 17,950 करोड़ रुपए रह सकता है, जो मार्च तिमाही में 17,381 करोड़ रुपए था। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में 1 रुपए की बढ़त हो सकती है। मार्च तिमाही में यह 138 रुपए थी, जो कि जून तिमाही में 139 रुपए रह सकती है। बात कीजिए देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल की तो भारतीय एयरटेल को 318 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। मार्च तिमाही में भारतीय एयरटेल को 759 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। एयरटेल का रेवेन्यू जून तिमाही में 26,703 करोड़ रुपए रह सकता है, जो मार्च में 25,831 करोड़ रुपए था। प्रति ग्राहक कमाई यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भारतीय एयरटेल का जून तिमाही में 146 रुपए रह सकती है, जो कि मार्च तिमाही में 145 रुपए थी। बता दें कि प्रति ग्राहक कमाई में एयरटेल सबसे आगे है। विश्लेषकों के मुताबिक पहली तिमाही में जियो और एयरटेल दोनों के ग्राहकों की संख्या में बढ़त होगी। हालांकि वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या में गिरावट आ सकती है। माना जा रहा है कि एयरटेल के डाटा यूजर में 16 लाख की गिरावट आ सकती है। रिलायंस जियो जून तिमाही में 80 लाख ग्राहकों को जोड़ सकती है। एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में बढ़त होने वाली है। वहीं बात की जाए वोडाफोन आइडिया की तो जून तिमाही में वोडाफोन आइडिया के ग्राहक संख्या में 70 लाख की गिरावट आ सकती है। इससे वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या 26.1 करोड़ रह सकती है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।